उस समय राजा हेरोदेस यीशु के खबर सुन ले और अपना नौकरन से कहला ई यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला हा, ऊ मरला में से जी उठल बा, यही से ओकरा जरिए बड़बड़ सामर्थ के काम प्रगट हो रहल बा। काहे कि हेरोदेस अपना भाई फिलिप्पुस के मेहरारू हेरोदियास के कारण यूहन्ना के पकड़वा के अबनवैले रहल और कैदखाना में डलवा देले रहल। काहे कि यूहन्ना उनकरा से कहले रहे तोके अपना भाई के मेहरारू के रखल उचित नहीं खे। वो यूहन्ना के मार डाले चाहत रहे, बाकी लोगन से डरत रहे, काहे कि यूहन्ना के नबी जानत रहलन। बाकी जब हेरोदेस के जन्मदिन आई तो हेरोदियास के बेटी सब लोगन के सामने नाच देखा के हेरोदेस के खुश कर देलस और ऐसे हेरोदेस क्रिया खा के वचन देलन कि जवन कुछ मंगबू हम तोहरा के दे दे। वो अपना महतारी के उकसौला पर बोलली यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला के सिर परात में इहे हमरा के मंगवा द। राजा दुखित हो गई, बाकी अपना क्रिया के और अपना लगे बैठल लोगन के कारण हुकुम देलस ओकरा के सर दे दिहल जाए और कैदखाना में लोगन के भेज के यूहन्ना के सिर कटवा देलस और उनकर सिर परात में लियावल गई और लड़की के दे दिहल गई और ऊ अपना महतारी के लगे ले गई और यूहन्ना के चेला लोग आके उनकर अलास के ले जाके गाड़ देलन लोग और जाके यीशु के खबर देलन।